नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने आर्यन खान को अक्टूबर 2021 में अरेस्ट किया था। आर्यन समेत कई लोगों की ड्रग्स ऑन क्रूज केस में गिरफ्तारी हुई। हालांकि बीती 27 मई को एनसीबी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। अरेस्ट के बाद आर्यन से पूछताछ की गई। उनकी व्हाट्सएप चैट खंगाली गई थी, जहां बताया गया कि आर्यन और अनन्या पांडे की गांजे पर बातचीत हुई थी। अब एनसीबी ने आर्यन का डिटेल्ड स्टेटमेंट रिलीज किया है, जहां आर्यन ने ड्रग्स अनन्या से अपनी व्हाट्सएप चैट पर बात की। इंडिया टुडे के मुताबिक अपने स्टेटमेंट में आर्यन ने बताया, मैंने साल 2018 में रिक्रिएशनल पर्पस के लिए गांजा स्मोक करना शुरू किया था। उस वक्त मैं अमेरिका में था। क्योंकि अमेरिका में गांजा स्मोक करना लीगल है, इसलिए मैंने उसे रिक्रिएशनल पर्पस के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। साथ ही मुझे नींद में भी दिक्कत हो रही थी। कुछ इंटरनेट आर्टिकल्स पर पढ़ा कि गांजा स्मोक करने से ये दिक्कत सही हो जाती है। मार्च 2022 में अपना कोर्स पूरा करने के बाद मैं मुंबई लौट आया। तब अपने एक दोस्त आदिश दुग्गल से मैंने इम्पोर्टेड गांजा मंगवाया था। आर्यन से जब पूछा गया कि क्या वो नारकोटिक ड्रग्स में डील करते हैं, इस पर आर्यन ने हामी भरते हुए बताया कि वो सिर्फ गांजा और हशीश जैसे नेचुरल ड्रग्स यूज करते हैं। आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट में अनन्या पांडे का भी जिक्र आया था। उस पर उन्होंने बताया, मेरे मोबाइल फोन में अगस्त 2019 की एक चैट थी, जहां मैंने अपनी दोस्त अनन्या पांडे से गांजे पर बात की थी। उस कॉन्टेक्स्ट में मैं बताना चाहता हूं कि अनन्या की एक छोटी बहन है रायसा पांडे। अनन्या ने मुझे गांजा दिया था जो उसे रायसा से मिला था। रायसा गांजा स्मोक नहीं करती और अनन्या जानती थी कि मैं गांजा यूज करता हूं, इसलिए उसने मुझे दे दिया। आर्यन ने अपने स्टेटमेंट में आगे बताया कि जब रायसा 15-16 साल की थी, तब अनन्या ने उसे गांजे के साथ पकड़ लिया था। आर्यन के मुताबिक रायसा रेगुलर स्मोकर नहीं थी और उसे गलत रास्ते पर ले जाया जा रहा था। अनन्या चाहती थी कि ये बात उसके घर वालों को नहीं पता चले, इसलिए उसने वो गांजा मुझे दे दिया। एनसीबी ने अनन्या से भी पूछताछ की थी, जहां उन्होंने आर्यन के दावों को बेबुनियाद बताया और कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आर्यन झूठ क्यों बोल रहे हैं। अनन्या ने बताया कि वो और आर्यन बचपन से अच्छे दोस्त हैं। हालांकि साल 2019 में काम के चलते दोनों की बातचीत कम होने लगी। उनकी बहन के गांजे लेने वाली बात पर उन्होंने कहा कि वो सिर्फ खुला तंबाकू यूज करती थी। उनकी जानकारी के मुताबिक साल 2020 के बाद से उसने तंबाकू लेना भी बंद कर दिया। आर्यन को ड्रग्स देने वाली बात पर उन्होंने सफाई दी कि उन्होंने कभी भी किसी को ड्रग्स नहीं दिए, वो किसी तरह की ड्रग डीलर नहीं है। आर्यन खान ड्रग्स केस ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए थे मीडिया की कवरेज पर, साथ ही उस वक्त एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर। हालांकि बाद में उन्हें इस केस की जांच से हटा दिया गया था। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।